हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक में हम इस्तेमाल करते हैं, उनके कैसे एक म्यूज़िक को है ना प्रोड्यूस किया जाए। तो इस श्रेणी में सबसे पहले जो एक इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी आती है वो आती है सुषिर वाद्य। सुषिर वाद्य का तात्पर्य है विंड इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा के माध्यम से बजते हैं, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब विंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इनको हवा के माध्यम से बजाया जाता है। इसके बाद आता है तत्वाद्य। मेरे हाथ में गिटार है, ये तत्वाद्य का मतलब होता है तार, वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जब हम तार की आवाज़ों पे टच करते हैं तो एक आवाज़ आता है। अगर हम तत्ववाद्य की बात करें तो इसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो वीड़ा, तानपुरा, गिटार, वायलिन, जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो भी स्ट्रिंग बेस्ड हैं, जिनमें तारों का इस्तेमाल हुआ है, उससे म्यूज़िक आ रहा है, तो सेकेंड वो होता है, हम तत्ववाद्य कहते हैं उसे, वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। इसी कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंस्ट्रूमेंट आता है अवनध्यवाद। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी लकड़ी की बनी हुई चीज़ पे हाथ से या किसी एक लकड़ी की ही चीज़ से आघात करते हैं, आघात का मतलब हम एक उस पर पंच करते हैं, लाइक इससे क्या है कि जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम नॉर्मली प्ले करते हैं, आपने देखा होगा कॉन्गो, ड्रम सेट, ढोलक, तबला, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी कैटेगरी आती है अवनध्यवाद्य, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हाथ से बजा सके। उसके बाद एक बचता है घनवाद्य। घन का मतलब ही है आपस में है ना, दो चीज़ों को आपस को टच करा देना है, इससे जो वाइब्रेशन होती है, जो एक साउंड आएगा वो अवनध्य, वो घनवाद्य की कैटेगरी है। फोर मेजर पार्ट्स हैं और अगर इन चार पार्ट्स में हमें एक भी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, जैसे अगर मेरे हाथ में गिटार है, अगर मैं गिटार बजाना सीख गया तो जितने भी वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होंगे वो हम इजीली प्ले कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हम उसका कंसेप्ट समझ जाएंगे और हम उसको प्ले कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम विंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर हम समझ जाएँ कि हमें फ्लूट कैसे प्ले करनी है, तो हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हवा के माध्यम से बजते हैं हम सब आराम से प्ले कर सकते हैं। इसी तरह बीट्स में हमको एक बार अगर अवनध्यवाद, अगर हम बीट्स को समझ जाएं, बीट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, तो हम दुनिया का कोई भी बीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इजीली प्ले कर सकते हैं। और घनवाद्य है, आपस में लड़ा के मंजीरा और खंजड़ी, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपस में लड़ा के बजाए जाते हैं। तो ये चार मेजर एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। अब एक कैटेगरी थोड़ी बढ़ गई है, वो उसमें है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इलेक्ट्रिक का जोर है, जब मेरा गिटार ये अकोस्टिक गिटार है, अभी एक इलेक्ट्रिक गिटार आ गए हैं, तो ये एक कैटेगरी एक अभी जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक कैटेगरी। बट जो हम अभी पढ़ते हैं फोर मेजर पार्ट्स, तो वो फोर मेजर पार्ट्स मैंने आपको बता दिया हुआ है। और इनको बताने का एक सिंपल सा जो एक रीज़न है वो ये है कि इनमें से एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप जान गए तो आप ईज़िली 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। बाकी सरगम वही सारी रहती है हर जगह, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा।